और अभी हम जा रहे हैं सूरत, को थोड़ा बहुत काम है इसलिए। और मैं अभी जा रही हूँ बाजार में, थोड़ा बहुत काम है, देखती हूँ अभी छोटा में जाऊँ या बड़ौदा प्रेस्टीज में जाऊँ। वो आ गए हैं घर पे और दिया आईज बंद करके ध्यान ध्यान में बैठी हुई है। हेलो सॉन्ग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे, सही से होंगे और मजे में होंगे अपने अपने घर में। तो शुरू करते हैं आज का दिन। और अभी हम जा रहे हैं सूरत, को थोड़ा बहुत काम है इसलिए। और दिया हमारे साथ नहीं आ रही, दिया यहाँ पे रह रही क्योंकि धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा आई है सूरत में। सो फटाफट से काम निपटा के आ जाएंगे हम भी। तो चलिए मिलते हैं दिया से कि दिया क्या कर रही है। और हाँ, लाइट पहले बंद कर देते हैं, कट्टी बंद, और मिलते हैं दिया से। दिया दिया कहाँ गई? दिया दिया कहाँ गई? यहाँ रही दिया, लग गई। दिया दो तीन दिन से यहाँ ही खेल रही है, उसने अपना टेंट बना के खेल रही है। और हमारे गेहूं भी आ गए हैं। हाँ, बाद में कल करेंगे हम, जब दिया स्कूल चली जाएगी तब। नहीं, गेहूं से नहीं मारते। दो दो बोरी तो हमने फ्राइडे को कर दी जब दिया के स्कूल चालू होते, बाद में दो दिन ऐसा नहीं करते। और यहाँ पे जी क्या कर रही है? सब्जी, आलू की सब्जी बना रही है और हम पूरी बनाने वाले हैं। ओह माय गॉड, पूरी बनाएंगे वहाँ मैंगो और पूरी। संडे की मजा, मैंगो निकाल दिया। वाह, निकाल लिया है, आज का पार्टी है। क्यों? बटेका की सब्जी, आलू की सब्जी और पूरी पूरी रस। वाह। और यहाँ पे आप हमारे फ्रूट का कलेक्शन देखिए। ये एप्पल है, सब्जी मंडी है। हाँ, वेजिटेबल मंडी है। ये बनाना है, ये एप्पल है, इतनी सारी फ्रूट्स है। और ये है वाटरमेलन, हमारे दादा ने पूरी फ्रूट मार्केट बना दी है घर का। एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, वाटरमेलन सब मिल जाएगा आपको अगर हमारे को चाहिए हो। वो तो अभी सीजन चली गई ना, अभी जाएगी तो। चलिए अब जो अंदर से देखते हैं दिया का। ये है दिया, ये स्लाइड भी कर सकता है, बैठ भी सकता है, सो भी सकता है। पानी की बोतल है, दिया का पर्स है, सब कुछ है दिया। और ये देखो, अभी मैं स्लाइड भी कर सकती हूँ, दूर जा सकता हूँ। चलो अभी मैं जाती हूँ ना। चलिए अभी चलते हैं फटाफट से, वरना चिराग डांटेंगे कि अभी तो क्यों नहीं आई। पर उनको पता नहीं है ना, उनकी बेटी इतना टाइम वेस्ट करती है हमारा। चलिए अभी चलते हैं फटाफट से, पर्स ले लेते हैं। और ये है रुमाल, पर्स। चलिए चलते हैं फटाफट, बहुत सारे काम है। चलिए, बनाना खा लिया है। बाय दिया। दिया मुझे दरवाजे पर छोड़ने आती ही है, मैं बाजार में जाती हूँ तो भी दिया मुझे छोड़ने आती है। क्यों? तूफान मत करना और दोपहर को सो जाना। हाँ, बराबर। हाँ, ओम नमः शिवाय। बाय बाय। देखो पागल बच्चा। बाय। अब चलते हैं जल्दी जल्दी फटाफट से, वरना चिरा का कॉल आ जाएगा कि क्या कर रही हो, अभी तक नीचे नहीं आई। आ गई पर चिरा दिख रही रहे है। आ चलेगी, मुझे कॉल करना पड़ेगा। चिरा
पहुंच चुके हैं सूरत और गर्मी और धूप तो बहुत ही ज्यादा है, तो ठंडा ठंडा रस पियेंगे। चिराग लेने गए हैं रस। धूप तो बहुत ज्यादा है, गर्मी दिखाती हूँ। गर्मी में ठंडा ठंडा रस पीने का बहुत मजा आता है, मुझे वैसे भी रस पसंद है, मजा आता है। दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उसके हिसाब से रस अच्छा है, सेहत के लिए भी और वैसे भी। और थोड़ा बहुत काम है वो निपटाएंगे, और दिया ने कुछ चीज़ें मंगवाई है सो वो लेके जाएंगे, वो तो याद करके लेना ही पड़ेगा उनकी उसकी चीज़। तो आ गया हमारा रस ठंडा ठंडा सा, बहुत अच्छा। अच्छा बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, और कोई कोई तो क्या कहता है ज़्यादा बर्फ़ डाल देते हैं तो रस का स्वाद ही बिगड़ जाता है, थोड़ा फीका फीका लगता है, तो अच्छा है ये। चलिए पी लेते हैं। तो ये आ गए हम पोदार आर्केड में, वहाँ से वो स्टैंड लाइट वगैरह माइक वगैरह लेना है, सो यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। काम खोली ना मोबाइल पर मुकी देना पैक कर दे, बहुत टाइट नहीं करो ना, करो ग्लास टूटी गई। Sony Music Speaker Bluetooth Low. तो आ गए हैं गाड़ी में सब कुछ लेके, और गर्मी से हालत खराब हो चुकी है हमारी पूरी तरह से, बहुत कुछ लिया है वो घर पे जाके आपको दिखाएंगे कि क्या क्या लिया। अभी जा रहे हैं घर पे, मम्मी के घर पे, उसने लंच वगैरह सब कुछ बना के रखा है, तो वहाँ पे लंच करेंगे, बाद में थोड़ा बहुत काम है वो भी निपटाएंगे। ऐसा कुछ है, माइक लिया है और लाइट ली है, जीरा को दीयू की तरह है, यहाँ पे सब कुछ लेना ही होता है, सो सब कुछ ले लिया है। और गर्मी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, धूप भी बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलिए अभी चलते हैं घर पे, भूख लगी है, खाना खाएंगे, मम्मी ने बना के रखा है, तो चलिए चलते हैं घर पे। मम्मी पूछेगी दिया को क्यों नहीं लाए, बट अच्छा हुआ नहीं लाई, इतनी गर्मी में वो तो रह ही नहीं सकती, उसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। चलिए चलते हैं घर पे। हेलो एवरीवन, खाना खा के हो चुके हैं फ्री, और चिराग सो गए हैं, और मैं अभी जा रही हूँ बाजार में, थोड़ा बहुत काम है, देखती हूँ अभी चोटा में जाऊँ या बड़ौदा पिस्टल में जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी पार्किंग की समस्या रहती है, पार्किंग नहीं मिलता सो गाड़ी नहीं जा सकती, ऑटो में ही जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि वो सो रहे हैं, तब तक थोड़े बहुत काम निपटा दूँ, दिया के शूज़ वगैरह लेने हैं, टी शर्ट, समर के धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए बाल भी मैंने ऊपर बांधी है, इरीटेशन हो रही है। सो चलिए अभी चलते हैं फटाफट से, और फटाफट से आते हैं वापस, जब तक उठे तब तक वापस आ जाए, वरना तो गाड़ी लेके ही जाते, बट वहाँ पे गाड़ी की पार्किंग नहीं है तो ऑटो में ही जाना पड़ता है, तो मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ।
ये आ गई हूँ मैं चोटा में, आप देख सकते हैं। सोचा कि चोटा में ही चली जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे टॉप टी शर्ट वगैरह अच्छे मिलते हैं। तो ये मैं दिया के लिए टॉप देख रही हूँ, जीन्स देख रही हूँ, आप देख सकते हैं अच्छे टॉप थे। और संडे था तो ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि संडे को सभी फ्री रहते हो तो ज़्यादातर संडे में ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ वापस घर पे फटाफट, एक घंटे में तो मैं वापस चली भी गई सब कुछ लेके, और अभी मैं जा रही हूँ घर पे। और यहाँ पे हम वापस कहाँ जा रहे हैं, घर पे। और ये है उमियाधाम मंदिर। और घर से जाते जाते हम थोड़े बहुत काम है वो भी निपटा देते हैं। और हमने सोचा था कि हम जाएंगे जूडियो, और ये पहुँच चुके हैं हम जूडियो। तो यहाँ पे दिया के टी शर्ट वगैरह देखेंगे कैसा है कलेक्शन। मैं पहली बार आई हूँ तो देखते हैं कि कैसा कलेक्शन है, बट बच्चों का अच्छा था कलेक्शन। तो हमने बहुत सारे कपड़े भी यहाँ से ले लिए दिया के, टी शर्ट टॉप वगैरह जो समर में वो पहन सके, थोड़े से लाइट हो ना तो उसे मज़ा आता है समर में पहनने को, तो हमने ले लिए दिया के। जैसा कि आपने देखा कि अब हम आए हैं स्टूडियो में दिया के लिए कुछ कपड़े देखने के लिए। दिया के लिए टी शर्ट देख रहे हैं चिरा, ये टी शर्ट देखे है, देख सकते हैं अच्छी है, कलेक्शन अच्छा है, सभी बच्चों का तो बहुत ही अच्छा है। कैसा है जी? ब्लैक भी अच्छा लग रहा है पार्टी में, क्या किया? स्टूडियो से और बैठ चुके हैं गाड़ी में, और दिया के ही ले लिए है। अच्छे थे किड्स के कलेक्शन, और गर्ल्स के तो बहुत ही अच्छे थे और रिजनेबल प्राइस में थे। सो टी शर्ट वगैरह अच्छे थे, जो कॉटन के होते हैं ना, समर कलेक्शन अच्छा था वहाँ पे। क्यों चिरा? 3 किलोमीटर्स क्यों? बहुत अच्छे कपड़े। हाँ, वो मोटा वाला किसी को घूमने जाना है तो जूडियो में चले जाए। हाँ, स्पेशली गोवा। हाँ, गोवा का जाना है ना। हाँ, समर कलेक्शन बहुत ज्यादा है, फ्लावर प्रिंट वाले कपड़े बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। ये बच्चों के तो वैसे भी अच्छे ही लगते हैं देखने में, सो चूज हो जाते हैं फटाफट से बच्चों के तो। और प्राइस भी रिजनेबल थी बहुत, क्योंकि बच्चों का क्या है ना, वो जल्दी शॉर्ट हो जाते हैं, बड़े होते हैं ना तो शॉर्ट होने लगते हैं, इसलिए नहीं पहने जाते ज़्यादा कपड़े। सो अच्छे थे। दिया की टी शर्ट ली है, सोटी ली, ऐसा कुछ लिया, घर जाके आपको दिखाएंगे, वो भी खुश हो जाएगी ये देख के। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गर्मा गर्म यहाँ पे हम आ गए, इस तरीके से सब बैठे हुए हैं चटाई बिछा के गाठिया और भजिया खाने के लिए। हमें कुछ ज़्यादा ही भूख लगी थी इसलिए रास्ते में ही हमने होल्ड कर लिया है वनीला गाठिया और भजिया खाने के लिए। गाठिया हमें पसंद है बहुत, और बहुत दिनों से खाया भी नहीं, इसलिए यहाँ अच्छा लग रहा था नीचे बैठ के खाना खाना। तो यहाँ पे हमने होल्ड किया है, क्या नाम है? बजरंग गाठिया हाउस। बजरंग गाठिया हाउस, बजरंग गाठिया हाउस। आपको संभारा, चटनी, कांदा सब कुछ मिलेगी। ये आ गए हमारे गाठिया गर्मा गर्म। वो आ गए हैं घर पे और दिया आइस बंद करके ध्यान में बैठी हुई है। ओम नमः शिवाय बोलो ध्यान। वो अपने गिफ्ट का वेट कर रही है, उसका पारा चढ़ा हुआ है। क्या चाहिए? स्लाइम अबे नहीं, स्लाइम थी एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ी गई, सब स्लाइम आइस बंद करने के लिए। क्या चाहिए? खुलवी ना जो गेस खुले
आईज ओपन नहीं कर ली थी। अच्छा लगा? कैसा लगा? चलो चलो बोलो, प्रैक्टिस कर लियो। अच्छा मैं सॉन्ग गावा नुस्ता रे डायरेक्ट। खुशी तो व्यक्त ना कर रही कहीं ते। कैसा लगा? चलो वाला फटी बे गीत गाओ। हेलो दूर रखा है, थोड़ा दूर रख। सॉन्ग गाओ। लुट पुट गया गाओ तो गा, सॉन्ग गा। तो कह रहा हूँ इसमें नहीं चलता, माइक माथे ना उसमें। हेलो सॉन्ग गा। चलो आते हैं ना, तो दियो छम्मा नो थैंक यू से डालो। आई कैन बोलो बता रख जा। ओम मे जमीनी तू सू जाई मु वाह, मजा आया। कैसा लगा? आ गए हैं घर पे और मैंने बना ली है थोड़ी सी चाय अपने लिए, क्योंकि आज पूरे दिन मैंने चाय नहीं पी थी, क्योंकि इतनी धूप और इतनी गर्मी थी तो चाय पीने का मन भी नहीं कर रहा था और इच्छा भी नहीं हुई। सो अब फाइनली अभी थोड़े से थक गए हैं और सिर भी थोड़ा सा भारी भारी लग रहा है, मैंने सोचा कि थोड़ी सी चाय पी लेते हैं तो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और थोड़ी सी थकान भी उतर जाएगी, क्योंकि क्या ना गर्मी थी ना इसलिए थोड़ी ज़्यादा ही थकान हो गई थी। तो चलिए पी लेते हैं चाय। और मैं क्या क्या लेके आई वो तो मैं आपको अभी कल ही बताऊंगी, कल के व्लॉग में मैं सबको दिखाऊंगी कि मैं क्या 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 लेके आई हूँ सूरत से। सो ऐसा ही कुछ रहा। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए बाय, हर हर महादेव।